बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5th पॉलीमर्स चला था, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर इसमें यूनिट्स का नाम है सिंथेटिक पॉलीमर, इस संश्लेषित बहुलक। इसमें चला था लास्ट टॉपिक पॉलीमर का मोलिकुलर मास या आणविक द्रव्यमान। तो पॉलीमर का जो आणविक द्रव्यमान है उसको दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। फर्स्ट तो चलता है इसके अंदर नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, और दूसरा सेकेंड जो चलता है वो चलेगा इसमें वेट एवरेज मोलिकुलर मास। ठीक है, तो पॉलीमर का जो मोलिकुलर मास होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, उसे हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक रहेगा इसमें नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, इसे हिंदी बोलेंगे। नंबर को क्या बोलेंगे, संख्या, औसत आणविक द्रव्यमान। और वेट एवरेज वाले में आएगा यहाँ पे भार औसत आणविक द्रव्यमान। तो दो प्रकार से हम पॉलीमर का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसको व्यक्त कर सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला रहेगा अलग अलग। देखें फॉर्मूले में क्या आएगा, इसमें ऊपर वाले को नंबर एवरेज है, इस कारण से इसको हम किससे शो करते हैं, एम एन से शो करते हैं। ठीक है, नंबर एवरेज इसके हिंदी में नंबर है, संख्या, औसत आणविक द्रव्यमान, इसको हम शो करते हैं एम द्रव्यमान के लिए आ गया। और एन का मतलब ये क्या है, नंबर को बताना। तो संख्या औसत आणविक द्रव्यमान, इसमें है भार औसत आणविक द्रव्यमान, इसको शो करते हैं एम। तो आणविक द्रव्यमान को शो कर रहे हैं और डब्ल्यू यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब ये क्या है, भार औसत अणु भार को प्रदर्शित कर रहा है। इन दोनों के फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा, मान लीजिए जो बहुलक का अपने पास सोल्यूशन है, उस बहुलक सोल्यूशन के अंदर अपने पास कितने हैं, एन आई मोलिक्यूल है। यानी कि पहला है एन वन, जिसका आणविक द्रव्यमान कितना है, एम वन है। दूसरे प्रकार के जो है उनकी संख्या है, पूरा बहुलक का सॉल्यूशन है, एन वन प्रकार वाले मॉलिक्यूल्स है उनका द्रव्यमान एम वन है, एन टू वाले का क्या है, एम। तो इसी प्रकार से चलते चलते एन आई है और इसका आणविक द्रव्यमान क्या रहेगा, एम आई रहेगा। औसत निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर जितने भी आपके जितने भी अणु है, मान लीजिए एन आई अणु है बहुलक उसमें विलयन में, तो एन आई, और उनका आणविक द्रव्यमान एम आई, और नीचे एन आई, इनका योग, ये क्या कहलाता है, संख्या औसत आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, किसी भी बहुलक विलयन का जो संख्या औसत आणविक द्रव्यमान होता है वो उस बहुलक में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या को उनके आणविक द्रव्यमान से गुणा करके, मतलब कि एन वन को एम वन से गुणा करना है, एन प्लस में एन टू गुणा एम टू, प्लस में एन थ्री गुणा एम थ्री, और लास्ट में चलते चलते प्लस, मतलब सभी को ऐड करें, लास्ट में आएगा एन आई गुणा एम आई, यानी अणुओं की संख्या को उनके द्रव्यमान से गुणा करना है, नीचे अणुओं की कुल संख्या का योग लिखना है। योग्या संख्या औसत अणु भार। सेकेंड चल रहा है इसमें वेट एवरेज मोलिकुलर मास, यानी उस भार औसत अणु भार। ये क्या आएगा, इस वाले में आता है कि एम आई किस, जैसे कि एन वन अणु है जिनका द्रव्यमान एम वन है, तो इसमें क्या आएगा, एन वन एम वन किसके, एन टू द्रव्यमान वाले एम टू अणु है, तो इसमें क्या आएगा, एन टू एम टू की स्क्वायर। इसी प्रकार चलते चलते आ गया एन आई अणु है, द्रव्यमान एम आई है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, एन आई एम आई की स्क्वायर। ये तो ऊपर लिखना है अपने को, ठीक है, तो एन आई एम आई की स्क्वायर, और नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है अपने को ये वाला एन आई एम आई, इसका जो ऊपर आता है वो इसमें नीचे आएगा, अणुओं की कुल संख्या को उनके सिर्फ द्रव्यमान से गुणा करना है, यहाँ द्रव्यमान के वर्ग से गुणा करना है, ये बनेगा इसमें भार औसत अणु भार, संख्या औसत अणु भार, और ये क्या बनेगा, भार औसत अणु भार बनेगा, बन गया। ये एम एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे करेंगे, एम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें अपने पास क्वेश्चन होगा इसकी, तो क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा, दो फॉर्मूले निकल गए ना अपने पास में, क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन
क्वेश्चन आप सीधे से कोई पॉलीमर सॉल्यूशन है, इस पॉलीमर सॉल्यूशन में 20 मॉलिक्यूल है जिसमें प्रत्येक का अणुभार 10,000 है और 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक का अणुभार है वो 20,000 है। इसके लिए MN संख्या औसत अणुभार निकालो और द्रव्यमान या भार औसत अणुभार निकालो। तो करना क्या है अपने को, MN निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जितने अणु हैं मान लीजिए इसको N1 मानेंगे तो इसको N2 मानेंगे, जरूरी नहीं दो ही दे, ज्यादा भी दे सकते हैं, और ये बोल रहे कि इक्वल संख्या में इतने हैं और इक्वल संख्या में इस अणुभार वाले, तो इक्वल में आप 10-10 मान्य कर लेना, एक एक मान्य कर लेना, 20-20 मतलब इक्वल मानना है अणुओं की संख्या को, ये दिया हुआ मिलेगा। MN इक्वल में क्या आएगा, ये हो जाएगा M1 और ये क्या हो जाएगा M2, तो N1 कितना है 20 इंटू में M1 कितना है 10,000 प्लस में N2 30 है गुणा में M2 कितना है 20,000, नीचे टोटल MI 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको आप आगे सोल्व करोगे तो देखें इसमें क्या आ गया, इसमें 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 प्लस में 3 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई 5 आ गई, 3 और 2 कितने आ जाएंगे इसमें, नीचे 50 चल रहे हैं ठीक है, जुड़ेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी इसके अंदर 10 की पावर 10 इंटू में 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, नीचे क्या है 50 से एक पावर कट जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 9, इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो निकल के आ गए इसमें संख्या औसत अनुभार इस बहुलक सॉल्यूशन का, अब द्रव्यमान औसत अनुभार निकालना हो तो क्या करेंगे, वही है N1 क्या है 20 है लेकिन इस बार 10,000 की यहाँ पे क्या चलेगी स्क्वेयर चलेगी, प्लस में N2 कितना है 30 है इंटू में 20,000 की क्या चलेगी यहाँ पे स्क्वेयर चलेगी, और नीचे ये वाला जो ऊपर आया इसमें वो नीचे आएगा यानी 5 इंटू 10 की पावर 10, यानी यहाँ जो ऊपर आए मल्टीप्लाई से यहाँ लिखा जाएगा इसका सॉल्यूशन ये वाला रहेगा, इसको आप आगे चल के सोल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं और ये रहेगा इनका आणविक द्रव्यमान। इसके बाद देखें नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये पॉलीमर का दो प्रकार से लिख सकते हैं, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास यानी संख्या औसत अणुभार, और दूसरा कर सकते हैं हम वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास या भार औसत आणविक द्रव्यमान ठीक है। उसके बाद में एक नंबर में क्वेश्चन इसमें ये वाला आता है, उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो रहेगा इसमें पोली, यानी क्वेश्चन सीधे इस प्रकार से रहता है PDI क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है PDI क्या है और इसकी फुल फॉर्म याद रखने और साथ में ये पूछते हैं कि भूलकों के लिए इसका मान क्या रहेगा ठीक है। देखें PDI की सबसे पहले फुल फॉर्म देखें तो रहेगी पोली, पी से पोली बना, डी से डिस्पर्सिटी, डिस्पर्सिटी और आई से क्या बनेगा इंडेक्स बनेगा, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स बहु प्रक्षेपण घातांक, हिंदी में नाम क्या रहेगा पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स का बहु प्रक्षेपण घातांक, पोली PDI पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स बहु प्रक्षेपण, इसको सूचकांक भी बोल सकते हैं और इसको घातांक भी बोल सकते हैं ठीक है। इसके लिए जो किसकी प्रोदति इसमें निकालते हैं PDI क्या होता है, देखिए PDI इक्वल चलता है इसमें MW अपॉन में MN यानी वेट एवरेज मोलिकुलर वेट वेट या मोलिकुलर मास बोल दो, और नीचे क्या आएगा नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, इन दोनों का जो रेशियो होता है अनुपात वो PDI कहलाएगा ठीक है। तो औसत सॉरी भार औसत आणविक द्रव्यमान और संख्या औसत आणविक द्रव्यमान का जो अनुपात होता है रेशियो वो PDI या पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में, अब देखें दो प्रकार के भूलक होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल जो प्रकृति में अपने आप बनते हैं,
है। और दूसरे कौन से होते हैं सिंथेटिक, जिनका संश्लेषण है वो लेब में किया जाता है। दो प्रकार के पॉलीमर पढ़े थे हमने, सोर्स के आधार पर नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में प्राकृतिक भूलोग जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और सिंथेटिक जो हम लेब में जिनका फॉर्मेशन करते हैं। नेचुरल जो है जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन भी एक प्रकार का भूलक है। अब प्रोटीन है वो एक प्रकार का प्राकृतिक भूलक है, प्रोटीन का निर्माण कभी भी लैब में नहीं करते हैं, प्राकृतिक नेचुरल बनता है। अब प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन किसका भूलक होता है, जिसमें आता है प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का क्या होता है, भूलक होता है। जब बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वहां पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यानी प्रोटीन यहाँ पे क्या है, एक पॉलीमर है, और जिनसे मिलके बना हुआ होता है वो क्या कहलाते हैं, मोनोमर कहलाते हैं। तो प्रोटीन किसका भूलक है, अल्फा एमिनो एसिड का। या प्रोटीन का मोनोमर क्या है, एकलक इकाई क्या है, तो क्या आएगा, अल्फा एमिनो एसिड। बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वो आपस में एक बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर बहुलकीकरण की क्रिया के द्वारा प्रोटीन पॉलीमर का सिंथेसिस करते हैं। तो ये क्या एक नेचुरल है, और पेप्टाइड बॉन्ड इस प्रकार से बनता है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। यानी कि एमिनो एसिड है वो डाइपोलर होता है, द्विध्रुवीय होता है। एक साइड में इसमें ये वाला होता है सी डब्ल्यू एच, और एक साइड में इसमें कौन सा होता है, एमिनो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, एक साइड में ये होता है और एक साइड में ये वाला ग्रुप होता है, यानी एमिनो ग्रुप होता है, सॉरी एन एच टू एमिनो ग्रुप है, जो कि ये जो एसिडिक ये वाला ग्रुप है वो इसकी एसिडिक नेचर को शो करता है। ठीक है, और इसके कारण से ये किस कौन सी नेचर शो करता है, बेसिक अक्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। एमिनो एसिड की बात करें, कोई भी एमिनो एसिड हो उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक साइड में ये बनता है हमेशा, एक साइड में ये बनता है, जरूरी नहीं एक ही सी डब्ल्यू एच ओ एक ही एन एच टू। यानी अमीनो समूह क्षारीय प्रकृति दर्शाता है और ये समूह एसिडिक प्रकृति दर्शाता है। अब इसमें जब आपस में ये अल्फा एमिनो एसिड है आपस में पोलिमराइजेशन प्रोसेस में आते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो इसमें यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच निकलता है, माइनस में एच टू निकल गया, तो ये कार्बन डायरेक्ट इस नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो इस साइड सी ओ है, इस साइड क्या एन एच है। तो ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और अल्फा एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए एच टू का एक अणु निकाल करके प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, प्राकृतिक बहुलक है, ये बन गया, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब इसमें अल्फा एमिनो एसिड की बात की जाए तो ये वे अल्फा एमिनो एसिड जिसमें सी डब्ल्यू एच ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ये बेसिक। यदि इक्वल संख्या में हो जितने सी डब्ल्यू एच है उतने ही एन एच टू, तो ये जितना एसिडिक शो कर रहा है उतना ही बेसिक शो करेगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। ऐसे एमिनो एसिड क्या कहलाते हैं, उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं। इसका फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एमिनो एसिड है वो कौन सा है, ग्लाइकिन है, ग्लाइसिन है, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सी डबल ओ एच और सी एच टू और एन एच टू। यानी इसके अंदर एक ही एन एच टू समूह है और एक ही सी डब्ल्यू एच है, ये एसिडिक शो कर रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, तो ना इसमें एसिडिक के गुण बचेंगे ना इसमें बेसिक के गुण बचेंगे, ये कैसा होगा, न्यूट्रल या उदासीन एमिनो अम्ल माना जाएगा। सबसे पहला जो एमिनो अम्ल है वो भी कौन सा है, क्वेश्चन आए तो ग्लाइसिन है, सबसे पहला एमिनो अम्ल ग्लाइसिन है, इससे छोटा एमिनो अम्ल नहीं हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीएच टू हटा देंगे या आपस में जोड़ देंगे, सबसे छोटा सबसे पहला एमिनो अम्ल ये वाला रहेगा ग्लाइसिन। ठीक है, और ये एक आवश्यक एमिनो अम्ल में आता है और ये साथ में क्या है, उदासीन है। अब सेकंड बात आती है, हो सकता है कुछ एमिनो अम्ल ऐसे हो जिसमें सी डब्ल्यू एच समूह की संख्या ज्यादा हो एनएच टू से, सी डब्ल्यू एच समूह की संख्या ज्यादा है, सी डब्ल्यू एच समूह है एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो एमिनो अम्ल कैसा हो जाएगा, एसिडिक एमिनो अम्ल हो जाएगा। और कुछ एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिसमें सी डब्ल्यू एच की तुलना में NH2 ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, NH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा है, ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो एमिनो अम्ल बेसिक या अक्षारीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ये प्रोटीन की बात होगी, इसमें ये प्रोटीन बनता किस प्रकार से। ठीक है, अब पढ़ रहे थे क्या, यहाँ पे पढ़ रहे थे यहाँ पे पीडीआई पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। अब देखें इसमें प्रोटीन के लिए बात की जाए तो प्रोटीन के लिए या जितने भी प्राकृतिक बहुलक हैं ऑलमोस्ट सभी के लिए जो एमडब्ल्यू है वो लगभग बराबर होता है किसके, एमएन के। यानी ऐसे बहुलकों के लिए वेट एवरेज मोलिकुलर मास और नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, यानी हार औसत आणविक द्रव्यमान और संख्या औसत आणविक द्रव्यमान का मान लगभग समान होता है,
अब जितना ये जितने में जितने का भाग देंगे लगभग एक के एक पर आएगा, यानी ऐसे प्राकृतिक भूगोलों के लिए पीडीआई का मान है वो लगभग एक के इक्वल होता है। क्वेश्चन आपके सिर्फ प्रोटीन पे आता है, प्रोटीन भी एक प्राकृतिक भूगोलक है, तो प्रोटीन के लिए पीडीआई या पोलर डिस्पर्शन इंडेक्स का मान भी क्या आएगा, एक के इक्वल आएगा। बाकी जो सिंथेटिक भूगोलक होते हैं, संश्लेषित भूगोलक होते हैं जो हम लैब में बनाते हैं, उनके लिए हमेशा ही MW का मान MN से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, यानी उनके वेट एवरेज मोलिकुलर मास है उसका मान हमेशा ही नंबर एवरेज मोलिकुलर मास ज्यादा रहेगा। हमेशा के लिए ये कंडीशन आओगे, हमेशा यही रहेगा, ज्यादा में कम का भाग देंगे तो जो PDI की वैल्यू होती है, पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स है, उसका मान हमेशा ही एक से क्या आता है, ज्यादा। तो ये दो याद रखने होता गया, ये फुल फॉर्म लिखे पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स बहु प्रक्षेपण घातांक या बहु प्रक्षेपण सूचकांक होता है, होता क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे किसी भी बहुलक विलयन के लिए उसके भार औसत आणविक द्रव्यमान और संख्या औसत आणविक द्रव्यमान का अनुपात या रेशियो पीडीआई कहलाता है। प्राकृतिक बहुलक जैसे प्रोटीन है या और कोई भी प्राकृतिक बहुलक जैसे स्टार्च है, इन सभी के लिए MW और MN का मान लगभग बराबर होता है, यानी कि भार औसत अणुभार आणविक द्रव्यमान और संख्या औसत अणुभार का मान लगभग समान होता है। इस कारण से इनके पीडीआई का मान एक के इक्वल होता है, जबकि संश्लेषित बहुलकों के लिए वेट एवरेज मोलिकुलर मास हमेशा ही नंबर एवरेज मोलिकुलर मास से ज्यादा होता है। इस कारण से इनके पीडीआई का मान है वो हमेशा एक से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन दो नंबर से बड़े में नहीं आता, सिर्फ इतना ही लिखना है। इसके बाद में देखें नेक्स्ट इसमें क्या है। नेक्स्ट है इसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यानी बहुल मोनोमर से जो पॉलीमर बनने की प्रोसेस होती है, मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम बहुलकीकरण यानी मोनोमर एकलक इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति होने से क्या बनता है, पॉलीमर या बहुलक बनता है। तो मोनोमर के रेप्लिकेशन से या पुनरावृत्ति से बहुलक बनने की जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन हिंदी में नाम बोले तो बहुलकीकरण के नाम से जाना जा सकता है, जानते हैं। अब देखें इसमें मोनोमर से पॉलीमर बनता है, दो प्रकार की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, उन दो के द्वारा बनता है। पहले भी आया हुआ एक प्रकार, एक बार उसमें बहुलकों के प्रकार में आया था, उसमें पहली प्रोसेस दो प्रकार से हो सकती है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है वो दो प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट इसमें इस प्रकार से हो सकती है, पॉलीमर बनते टाइम कोई भी अणु है, दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़े, तो कोई भी छोटा अणु यदि इसमें बाहर निकल सकता है, हो सकता है कोई छोटा अणु जैसे H2O, NH3, एल्कोहल ये बाहर निकल जाए, हो सकता है दो मोनोमर यूनिट डायरेक्ट जुड़े, कोई भी बाहर नहीं निकले कोई भी छोटा अणु, तो दो प्रकार की प्रोसेस हो गई, एक में तो कोई छोटा अणु बाहर निकल रहा है, एक में नहीं निकल रहा, दोनों प्रोसेस अलग अलग होती है। एक का नाम होता है यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन हिंदी में इसका नाम बोले एडिशन युगात्मक पॉलीमराइजेशन बहुलकीकरण। सेकंड आता है इसमें कंडेंसेशन या संघनन, कंडेंसेशन या संघनन पॉलीमराइजेशन, इसको हिंदी कंडेंसेशन संघनन बहुलकीकरण, युगात्मक बहुलकीकरण संघनन बहुलकीकरण। युगात्मक बहुलकीकरण में कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है, डायरेक्ट दो मोनोमर यूनिट होती हैं, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम दो तो यानी मोनोमर यूनिट्स हैं, आपस में जुड़ती हैं, सीधे के सीधे क्या बनाती हैं, पॉलीमर बनाती हैं, कोई भी छोटा अणु प्लस में बाहर नहीं निकलता है, ये जहां इतने थे प्लस में जुड़ गए पॉलीमर बना लेंगे। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जब मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो आपस में जुड़ करके जब पॉलीमर बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई छोटा अणु अक्ष मान सकते हैं, अक्ष की जगह कोई भी छोटा अणु जैसे कि
एल्कोहल का हो सकता है, अमोनिया का हो सकता है, H2O का हो सकता है, या कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है। ठीक है, कोई भी छोटा अणु है इनमें से, कोई भी, इनके अलावा भी हो सकता है, हम बता रहे हैं, कोई भी छोटा अणु जब इसमें से बाहर निकलता है, या हाइड्रोजन हैलाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो जब मोनोमर या एकलक इकाइयों से पॉलीमर बहुलक बनता है, यदि इनमें से कोई छोटा अणु बाहर निकलता है, तो वो तो होता है संघनन पॉलीमराइजेशन, संघनन बहुलकीकरण। और यदि कोई मोनोमर यूनिट्स हैं, एकल इकाइयां हैं, उनके आपस में पुनरावर्ती होने से कोई पॉलीमर बनता है, तो उसके साथ में कोई भी इस प्रकार का छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है, तो वो पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण की जो वो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे एडिशन पॉलीमराइजेशन या योगात्मक बहुलकीकरण के नाम से जानते हैं। इन दोनों प्रोसेस को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।